नगर निगम के रिमूवल दल ने एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। इस दौरान करीब 50 करोड़ की कीमत की जमीन को निगम के बुलडोजर से मुक्त कराया गया। जानकारी के मुताबिक वार्ड क्रमांक 37 के न्याय नगर एक्सटेंशन में इंदौर जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस विभाग ने सोमवार सुबह बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। बताना चाहेंगे कि इस कार्यवाही के दौरान करीब 50 करोड़ की बाजार कीमत की करीब 1.5 एकड़ जमीन पर बने कच्चे पक्के अवैध निर्माण कब्जे को ध्वस्त किया गया। बताया जा रहा है कि ध्वस्त किए गए कब्जों को करीब 15 लोगों के अवैध कब्जे थे। वहीं बताया जा रहा है कि 3 पक्के निर्माण को नगर निगम नोटिस देने की तैयारी में जुट गया है। रिमूवल अधिकारी महेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि इस 1.5 एकड़ जमीन में कई प्लॉट भी काट दिए गए थे जिन पर बाउंड्री वॉल लगी हुई थी, किंतु अतिक्रमण हटाने के दौरान खरीदने वाला या भूमि बेचने वाला कोई भी सामने नहीं आया है। देखिए, आज जो कार्रवाई है, ये श्री राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन है और लगभग 1.5 एकड़ के करीब जमीन है। इसके ऊपर जो अवैध रूप से कब्जा कर रखा था भूमाफियाओं ने, और उसमें से 2 या 3 जगह तो पक्के निर्माण में शुरू हो गए थे। कुछ प्लॉट ऐसे थे जहां पक्की बाउंड्री वॉल थी, तो वो तो ऐसे थे जिनको बेच दिया गया है प्लॉट, वो लोग हैं। और कुछ इसमें जगह ऐसी थी जिसमें कि कच्ची फेंसिंग करा रखी थी, वो साफ स्पष्ट लग रहा था कि ये जमीन को कब्जा करने के नियत से उसकी फेंसिंग की गई है। इस तरह से लगभग ये 1.5 एकड़ जो जमीन है वो कब्जे में थी अवैध रूप से, और आज हम लोगों ने पूरे अवैध निर्माण और जो कब्जे हैं, जो फेंसिंग है, जो बाउंड्री वॉल है और एक पक्का निर्माण है, उसको हटा करके इस पूरी जमीन को हमने आज कब्जा मुक्त करवा दिया। कोई भी व्यक्ति आज हमारी कार्रवाई में सामने आया नहीं, अगर आता तो मालूम पड़ता कि ये व्यक्ति है। साथ में जो प्लॉट बिक चुके हैं और जिनकी बाउंड्री वॉल हम लोगों ने हटाई है, उसमें से भी वो लोग अभी सामने नहीं आए। आज पर भीड़ तो खड़ी है, लेकिन अभी सामने देखिए खरीदने वाले नहीं आए हैं, बेचने वाले नहीं आए हैं, लेकिन जो मकान 2-3 बने हैं वो लोग सामने हैं। और जब हमने पूछा किसके हैं तो वो लोग बताने की स्थिति में नहीं। और कई बार क्या होता है, इतना पुलिस है, इतना अमला है, मशीनें वगैरह देख करके भी आदमी डर जाता है। या जब बाद में होगा तो बताएंगे, इसे जिसको नुकसान होगा लाखों रुपए का वो तो बताएगा ना कि हमने किससे लिए किससे नहीं लिए। कहीं ना कहीं नहीं मैडम, पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा किया है। ये श्रीराम ट्रस्ट की जमीन थी 1.5 एकड़ जिसको कि इन्होंने न्याय नगर के नाम से बेच दी गया लोगों को।